जी अस्सलाम वालेकुम। बस आप लोग आई थिंक इन फ्यू मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं, बट आई होप सबको आवाज और पिक्चर मेरी क्लियर आ रही होगी। आवाज आ रही है सबको, तो आप कंफर्म कीजिए दोस्त हु कैन सी मी। वीडियो नहीं क्लियर, आप देखिए थोड़ी बेहतर होगी। जस्ट सी दिस इज बेटर, वीडियो क्लियर है थोड़ी। अच्छा आवाज नहीं आ रही, स्टिल नॉट क्लियर। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, ब्लर्ड आ रहा है आपको। साउंड में थोड़ा इशू है, देखें। वैसे मुझे तो यहाँ क्लियर आ रहा है। आ रही है थोड़ी क्लियर है, नहीं है। लेट मी सी इफ वी कैन गो लिटिल बिट डिफरेंट। जी अब क्लियर हुआ है थोड़ा, आप देखें। इज इट क्लियर नाउ? शुड बी क्लियर यार, अब तो क्लियर होना चाहिए। ऑल वेल राइट? ठीक है, अब ये अच्छा, अब क्लियर है बिकॉज आई हैव चेंज द इंटरनेट। ठीक है, सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि जो 1 ईयर स्पेशलाइजेशन जो कि हमने अनाउंस की HEC के साथ, अब ये क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि यार ये क्या हो रहा है, किस तरह से ये अनाउंसमेंट ऑब्वियसली वाज वेरी क्लियर, जिसमें बताया गया था कि कैसे नाउ वी आर गोइंग टू चेंज, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर इन वेरी इजी लैंग्वेज में। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चैलेंज है कि जैसे आप देखते हैं कि 4 साल की डिग्री करता है एक बंदा, 4 साल की डिग्री करता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो इंटर्नशिप तलाश करता है। इंटर्नशिप तलाश करने के बाद वो क्या करता है, वो उसके बाद करता है 10,000, 20,000, 15,000 की जॉब करता है, राइट? उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो जॉब जब उसको मिलती है परमानेंट, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, कुछ अरसे बाद लाख में पहुंच जाता है वो, राइट? कितने पैसे लगाकर, लाखों रुपया लगाकर, कितने कितना टाइम जाया कर, ज़्यादा नहीं कह सकते बट कितना टाइम लगाकर, 4 साल, राइट? सो 4 साल वो लगाकर बेसिकली वहां पर पहुंचता। तो ये कि हम बड़े अरसे से, जब से मैं ऑब्वियसली आया था, आई वॉज लुकिंग दिस पेन, जो कि ये बहुत बड़ी पेन थी हमारे लिए, जो कि हम देख रहे थे कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। ऑब्वियसली हम यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर तो बना रहे हैं, हम जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बट इस पूरे सिस्टम को क्रिएट और एक ठीक होते होते बहुत टाइम लगना। तो वट वी थॉट अबाउट इज टू वर्क विद HEC और उसमें एक ऐसी चीज हम अनाउंस करें जो कि 1 साल की हो, टू द पॉइंट प्रैक्टिकल, 1 ईयर स्पेशलाइजेशन चीज हो, वो ऐसी चीज हो कि लोग
वो एक साल बाद जब निकलें या एक साल के अंदर अंदर ही उनकी अर्निंग स्टार्ट हो, ऐसा अभी कोई प्रोग्राम नहीं था HEC का। सो वी प्रपोज HEC, वी डिस्कस विद देम, बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी उनको, बताया, कन्विंस किया ऑब्वियसली, बिकॉज इट वॉज एन ईजी वन टू जस्ट कि आपको एक अनाउंसमेंट सी लग रही है, बट ये बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन और बहुत ज़्यादा एक प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स के बाद ऐसी चीज़ को अनाउंस किया गया। अब ये क्या चीज़ है? अब ये चीज़ है कि इस पूरे एक साल में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। ये एक एक्चुअली सिर्फ ई कॉमर्स पे नहीं हमने इसको एक्नॉलेज किया, हमने साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी 1 ईयर की एक्नॉलेज कराई चीज़ी से, और डिफरेंट चीज़ें जो हम ऑफर करते हैं। तो अब लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स, जो कि एक जो स्टूडेंट्स भी हैं इस वक्त, जो कि जॉब माइंडसेट के साथ भी लोग हैं, जो अपनी बिजनेस भी कर रहे हैं, वो कैसे इस 1 ईयर स्पेशलाइजेशन को ई कॉमर्स में कर सकते हैं, ई कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये पूरे साल से, ये ऑब्वियसली हम इसको आपको पूरा बताएंगे, बस इस पूरे साल में आपको एक एक इंट्रोडक्शन पहले तो ऑब्वियसली माइंडसेट के साथ दिया जाएगा, ई कॉमर्स क्या होती है, फिर हर वो चीज़ कवर की जाएगी, लोकल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह से अपना ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर बिजनेस भी नहीं कर सकते एज एन ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। तो ये ई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन जो है ये सेमेस्टर वाइज होगी, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा आ गए हैं और आप अगले सेमेस्टर्स में जाते जा रहे हैं। तो ये मॉड्यूल्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, जिसमें हमारा प्लान है कि हम इसको 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स का 1 सेमेस्टर हो, और उसके साथ साथ फिर हम आपको असेसमेंट देते जाएं, जैसे जैसे आप असेसमेंट क्लियर करते जाएंगे आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट स्टक देयर। और साल बाद ऑब्वियसली व्हेन यू विल पास्ट कि आपको ई कॉमर्स बेस्ड ऑन दी असेसमेंट्स, लोकल इंटरनेशनली सर्विसेज कैसे देनी है एंड ऑल दैट, जब वो पास करेंगे आप, फिर आपको हम लोग इशू करेंगे HEC एक्नॉलेज्ड और एनेबलर्स एक्नॉलेज्ड एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन एक्नॉलेज्ड एक ऐसी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि आप किसी भी जगह पे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इट्स नाउ अ गवर्नमेंट बैकिंग अप ऑन दिस, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि उनको कन्विंस करना है इस चीज़ में कि ये नीड है हमारी, ये जो लोग इस वक्त जो इधर उधर हालात में फिर रहे हैं, ये कि उनको फोकस कराया जाए कि सिर्फ और सिर्फ आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए इसमें एंड देन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड अगेंस्ट दैट। तो ये 1 ईयर इसमें हम बिल्कुल इसको अभी हम अनाउंस करेंगे कि कब से इसको हम इंटरव्यूज लेंगे बकायदा, पहले आपके इसके प्रॉपर एंट्री क्राइटेरिया होगा, ये नहीं है कि एवरीवन कैन डू इट, ऑब्वियसली वी नीड पीपल हु कैन कॉपरेट, बिकॉज हमने ये नहीं है कि ये एक साल के लिए एक आपको एक ट्रेनिंग टाइप नहीं है, इट्स इट्स मोर ऑफ कि आपको हमने साथ लेकर चलना है और फिर साथ साथ ट्रैक भी करना है, ट्रैक करते जाएंगे साथ साथ, कहीं ऐसा आज तक ऑब्वियसली आई हैव नॉट सीन एनीवेयर कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा पूरे साल तक, साल के बाद भी साथ साथ आपकी ट्रैकिंग हो रही है, जहाँ पर भी आपको ऑब्वियसली कोई इशू आ रहा है तो वो हम आपको साथ लेकर चलते रहेंगे। और ये इसके लिए ऑब्वियसली कुछ दिनों तक हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी और इसमें क्या चीज़ें हमें आपसे चाहिए होंगी इन ऑर्डर फॉर यू टू बी द पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ऐसे हर कोई वी विल नॉट बी अनफॉर्चुनेटली टेकिंग इट, बिकॉज दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज के एक बंदा जो के ई कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड करके अपने आप को ई कॉमर्स एक्सपर्ट प्रॉपरली क्वालिफाइड के ला सकता है, बिकॉज वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट मॉड्यूल में नहीं मूव होगा जब तक वो उसको उसकी असेसमेंट पास ना कर दे। ठीक है, तो ये आई होप दिस वाज क्लियर। सेम फॉर डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्नॉलेज्ड बाय HEC, जिसको हम इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड एज वेल, जिसको हम वेबसाइट पे भी अनाउंस करेंगे एंड देन यू विल सी। अब मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, ये ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या कहते हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ लाहौर कराची होगा, ये पूरा पाकिस्तान में बेस्ड होगा, हम फिजिकली भी इसको इस स्पेशलाइजेशन को कराएंगे और इसमें हम लोग साथ साथ
ऑनलाइन भी कराएंगे जो कि कहीं से भी इसको करना चाहता है, बेस्ड ऑन आर क्राइटेरिया। जो कोई क्राइटेरिया पास करेगा तो वो भी वो कर सकता है। तो ठीक है, आई थिंक दिस वाज क्लियर, बट मोर डिटेल्स टू फॉलो इन द नेक्स्ट कमिंग डेज, जिसमें आप मजीद क्वेश्चंस और मजीद चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, तो ये कि ये ऑब्वियसली एज द क्वेश्चन आई सी इज के इसमें इट्स अ न्यू ट्रेंड विच वी हैव फॉलोड। जब आपने किसी से अपने पूछ लें, किसी भी रिलेटिव से पूछ लें, अपने पेरेंट्स से पूछ लें कि क्या कभी कभी जिंदगी में स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स की HEC से एक्नॉलेज हुई थी कभी, पूछिए आप, कभी पूछ, आपको अगर वो कह दे हुई थी तो आई विल से यार दैट्स वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा गैप था। इसमें किसका फायदा है? पाकिस्तान का फायदा, बिकॉज हमने इसको मैस लेवल में लेके जाना है, और मैस लेवल में तभी लेके जाते हैं जब ये यूथ जो है वो इस फील्ड में आए। लोग तो बाकी आ रहे हैं, लेकिन ये जो यूथ है, जो नए लोग चार चार साल की डिग्री में, दो दो साल के मास्टर्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फिर भी बाद में जॉब की तलाश है, विच इज़ फाइन, वो करें ज़रूर अगर आपका दिल करता है। बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि बंदा जो है वो अपना काम कर रहा हो, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर दिया गया हो, ये कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिखाया जाता है कि आपने बाहर जाकर अगर जॉब करनी है तो क्या करना है, कॉलेजेस में ये बताया जाता है जॉब की तलाश में इस तरह CV बनाना है एंड ऑल दैट। हमने आपको बताना है कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनना है, फ्रीलांसर कैसे बनना है, आपने अपना ई कॉमर्स का काम कैसे बनना है। ये पूरे एक साल में इसकी स्पेशलाइजेशन होगी आपकी, जो कि बड़े प्यार से और बड़े बड़े गुस्से से भी पढ़ाई जाएगी ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो। इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगा 2 से 3 महीने बाद, हम अनाउंस करेंगे कि ये डेट है, बट ये अगले दो एक दो वीक में स्टार्ट, हम इसको अनाउंसमेंट चलती रहेंगी कि वही क्राइटेरिया क्या है इसमें एंटर होने का, टेस्ट क्राइटेरियाज क्या है एंड ऑल दैट, टू फॉर यू टू बी द पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, तो ये आई थिंक दिस वाज क्लियर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, आप सबके लिए, एनेबलर्स के लिए और एनेबलर्स की टीम के लिए। अब मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? मुझे आप लोगों से हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनर्स पाकिस्तान से चाहिए। मुझे चाहिए कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद हो, जो ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स, ई कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन में हमारे साथ इसको लेकर जाएं। बिकॉज ये वन मैन शो तो नहीं है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑन मैस लेवल। HEC इज ऑब्वियसली बैकिंग आप, कोई आम बात नहीं है। तो इसमें हमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो इसमें अगर आप इनेबलर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने इनेबलर्स से कोई चीज़ की है लेकिन आप किसी वजह से कुछ नहीं कर पाए या टाइम है आपके पास, और इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट के जिसमें लोगों को इनेबल किया जाए, गेट इन टच विद अस। उसमें आप हमसे रब्ता करें और वी विल इंटरव्यू यू। इफ यू क्वालिफाई देन वी विल हैव यू ऑन बोर्ड, बट वी आर लुकिंग राइट नाउ 100 से ज़्यादा ट्रेनर्स जो कि इनेबलर्स को ज्वाइन कर सकें टू सपोर्ट दिस होल HEC प्रोग्राम्स जो कि हम स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स में करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्या आज की डिस्कशन विच वी नीड टू फोकस मोर ऑन? देखें, इसमें कोई जैसे आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस के आप अगर अपना कोई एग्जिस्टिंग डिग्री कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, करते जाएं। दिस इज नॉट रियली कि आप पैरेलल नहीं कर सकते इसमें, ये पैरेलल भी सारा कुछ कर सकते हैं, बट इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज। EVS एक्सेस आपको दी जाएगी, जिसमें आप सारे चीज़ें देखकर आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो उस क्राइटेरिया को पास करते हुए। बहुत सारी चीज़ों में आपका जूम सेशंस में आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा एंड एंड बहुत सारी चीज़ें, वी विल सी ऑन दिस। ठीक है, अभी जो क्या होगा इसमें, कैसी चीज़ें होंगी, हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी कि क्या इसमें चीज़ें होंगी, बाकी फर्स्टली वी नीड 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा ट्रेनर्स चाहिए जो कि हमें पूरे पाकिस्तान में इस स्पेशलाइजेशन को लीड करेंगे अंडर माय सुपरविजन, अंडर इनेबलर सुपरविजन, और साथ लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ज्वाइन एंड बी द पार्ट ऑफ एनेबल। ऑब्वियसली ये सारा पेड होगा, ये नहीं है कि आप लोगों को हम कह रहे हैं कि ज्वाइन अस फॉर फ्री। यू विल बी पेड फॉर इट, यू विल बिकम अ लीड, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे, बट हम आपको पहले तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद हम आपको
अपने हिसाब से कि हाउ वी फील कि दिस होल स्पेशलाइजेशन विल बी रनिंग फ्रॉम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये पूरा कल्चर चेंज कर देगा पाकिस्तान, ऑनलाइन भी होगा, फेस टू फेस भी होगा, ये जहां जहां एनेबलर्स बिलोंग करता है। ठीक है जी, विल टेक इट टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब एज वी नो के जी हमारे पास Q4 आ रहा है, सो Q4 इज कमिंग जो के ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, क्योंकि इसमें जो लॉन्चेस होती हैं वो लॉन्चेस अगर कोई कामयाब कर जाता है वो सारा साल अगला बैठ के खाता रहता है। तो वो यह है कि आपने होल PL के लिए पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट? PL में आपको पता है कि कीवर्ड्स जो हैं, छोटे छोटे कीवर्ड भी जो होते हैं वो भी कितने कितने हाई ट्रैफिक में पहुंच जाते हैं। तो हमारा फोकस्ड क्या होना चाहिए, जैसे कुछ लोग डरते हैं यार कि मुझे ज़्यादा बर्निंग करनी पड़ेगी, आपको पहले ये देखें जब आपने लाइव जाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्री लॉन्च की तैयारी करनी है। प्री लॉन्च में जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको रिव्यूज चाहिए, आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, अच्छे अच्छे इमेजेस चाहिए। ये सारी चीज़ें तैयार करते करते बड़ा टाइम लगता है, और आप छोटी कीवर्ड पर रैंक करें, आपको क्या ज़रूरत है बड़े कीवर्ड पर रैंक करने की प्राइवेट लेबल में इन Q4, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर। सो Q4 में आपका फोकस्ड होना चाहिए कि अपने रिव्यूज बिल्ड करें और छोटे छोटे कीवर्ड्स पर रैंक करना शुरू करें। और इसमें जैसे अभी हमें पता है कि यार 200 यूनिट्स अलाउ करता है अमेज़न, अमेरिका में भी और यूरोप में भी ऑलमोस्ट यही हाल है, जबकि आपको क्लियरली हम लोगों ने अब फोकस्ड आपका कराया कि 3PL वेयर हाउसेस को आपने यूज करना। UK में भी इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, डॉक्टर कासिम मलिक इज ऑफरिंग दिस, वो पूरा मैनेज कर रहे हैं इस पूरे वेयर हाउस को। अमेरिका का भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो आप लोगों ने 200-300 यूनिट्स वेयर हाउस में भेजते जाना है अमेज़ॉन के, और बाकी जो है वो आपने वेयर हाउस में जो कि आपकी फॉरन डिलीवरी वहाँ पर करेंगे एज सुन एज आपका फिनिश होगा। तो ये कि ये एक चीज़ की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है जिसको बड़े ही प्यार से और आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, और Q4 में जो लॉन्च है आपकी ये गेम चेंजिंग आप लोगों के लिए हो सकती है। बिकॉज ये जो आखिरी, अगर जो पुराने सेलर्स हैं उनसे पूछें कि क्या सेल होती है नवंबर और स्पेशली दिसंबर के एंड में क्या सेल होती है, उनसे ज़रूर पूछिएगा। और जब पूछ लें तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या उन्होंने आपको बताया कि क्या क्रेजी सेल होती है। तो जिसके पास इन्वेंट्री उस वक्त होती है वो बंदा जो है अगले साल तक एटलीस्ट हंसता रहता है। तो आपने ये फोकस करना है कि अपने आप को अगले 3 महीनों में रेडी रखना, ठीक है जी? सो दैट्स हाउ इट वुड वर्क फॉर प्राइवेट लेबल, जिसमें UK का वेयर हाउस और US वेयर हाउस, दैट्स ऑल प्रीटी मच अवेलेबल टू यू, जो आप यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल वर्क। और फॉर होलसेल में द बेस्ट वे फॉर next 3 months, best way is using DC strategy, which is deal checker. So deal checker strategy, जो कि बड़े ही आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया, आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ लिंक हेयर, सो विच इज enablers.org/DC। अगर आप ने कोई भी चीज़ को लॉन्च करना है होल सेल में तो DC स्ट्रेटजी लास्ट 3 months के लिए बेस्ट है। दिस इज वट वी हैव यूज फ्रॉम लास्ट 1 year एंड हैज प्रूव्ड, और लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था, दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस यू नाउ, ताकि आप भी इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें। तो आपने मेक श्योर करना है कि यूरोप में कर सकते हैं, UK में कर सकते हैं, USA में वही सेम स्ट्रेटजी, मीन्स कि आपने डील्स को कलेक्ट करना है और डील्स को कलेक्ट करने के बाद आपने उनको मीटू करना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगले 3 महीने के लिए आपके लिए अवेलेबल है, विच वी नीड टू मेक श्योर वी यूटिलाइज दोज 3 months एंड टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है? US का जो वेयर हाउस है, आप आई कैन सी सम मैसेजेस उसमें, आप ग्रुप में हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बट इफ यू कांट देन जस्ट पोस्ट अगेन, वी विल शेयर द डिटेल्स। और UK का भी वेयर हाउस हैज बीन गिवन कि जिसको इन्वेंट्री का मसला आ रहा है वो ये चीज़ें शेयर करें, और मुझे बताएं कि ये आपको इस तरह की चीज़ें जो सारी अवेलेबल जब मौजूद हों तो आपने ग्रुप में कीप एन आई करना होता है, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त जब सब कुछ लिखा भी हुआ ऊपर, फिर भी वो उसको रीड नहीं करते। आप रीड किया करें,
पढ़ा करें, फिर उसके बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। अभी मैं आंसर्स करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आई कैन सी इट्स कमिंग अप, बट लेट्स कवर सम बेसिक टॉपिक्स, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एक और प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, जो के इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम सो फार, जिसमें हमने देखा, जिसको हमने कहा आप AAP। AAP क्या है? AAP इज एसिन परमानेंट पार्टनरशिप। सो जो लोग जो हैं इस वक्त घबराते हैं रिस्क लेने के लिए कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज इट्स टू मच इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, मैं नहीं शायद कर सकता, तो एसिन पार्टनरशिप क्या है? एसिन पार्टनरशिप ये है कि ऐसे अकाउंट अमेजोन पे, ऐसे ब्रांड अमेजोन पे इस वक्त मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल UK में वो ऐसे ब्रांड मौजूद हैं कि आप अगर उन ब्रांड को मी टू करें तो आपकी सेल अच्छी एक डिसेंट लेवल की जनरेट हो सकती है। अब वो ब्रांड कौन से हैं और कहाँ से आएंगे? तो जैसा कि हमारे पास, क्योंकि एनेबलर्स टीम में इस वक्त सक्सेसफुल सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सक्सेसफुल सेलर्स हैं, तो वो सक्सेसफुल सेलर्स में से आई अप्रिशिएट के डॉक्टर कासिम जो हैं उन्होंने अपने कुछ अकाउंट्स को ऑफर किया पब्लिकली कि मैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे लोग इनेबल हों, जैसे हमारा जो सक्सेस रेट था, उस सक्सेस रेट में जब हम देखें कि जो बाकी 60% कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाते हैं, चलो अपना काम कर लेते हैं या किसी से इन्वेस्टर से सिक्योर कर लेते हैं, सर्विसेज ऑफर दे लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं 40% जो मे बी कुछ नहीं कर पाते। तो ये 40% कौन है? ये 40% को ऑब्वियसली वी नीड टू मेक श्योर ये कोई ना कोई तो एक्शन ले सके। अब इनको कैसे एक्शन लेना है? इन्होंने, हमने क्या किया कि हमने कहा जी कि ये एक ब्रांड डेवलप्ड हुए हैं, इनको हम अलाउ करते हैं आपको कि आप इनको मी टू करें, वी अलाउ यू कि ये जिसकी ऑलरेडी सेल हो रही है ये हमारा ब्रांड है, जैसे डॉक्टर कासिम सेज कि हमारा ब्रांड है, आप इसको मी टू कर लें। तो इस तरह 2,000 से 3,000 एसिन्स मौजूद हैं इस वक्त, जो कि अवेलेबल किए हम लोगों ने सिर्फ आपके लिए, कि 2,000 से 3,000 एसिन्स मौजूद हैं, इनको आप प्लीज मी टू कर सकते हैं अगर इफ यू वांट, और इफ यू डोंट वांट देन चूज द बेस्ट विच यू फील इज राइट अंडर दिस ब्रांड। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगेन आई स्टिल कंटिन्यू टू से, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कभी कि पाकिस्तान में ऐसी चीज जो कि आपको एक इतनी बड़ी ऑफर कोई दे कि यार मेरे पास एक चलता चलाया ब्रांड है और मैं चाहता हूँ आओ मिलकर खाएं, मतलब ये कौन कहता है? ये वो वाली बात है कि आओ मिलकर खाएं, कौन कहेगा यार? मतलब आप खुद देखेंगे कि किसी का ब्रांड चल रहा हो, वो कह रहा है जी कि आप भी मी टू कर सकते हैं, हमें अगर कोई मी टू करे तो हम तो जाके उसको हैकर के या उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि जी मेरी लिस्टिंग पे मी टू क्यों कर दिया, जैसे प्राइवेट लेबल वाले। लेकिन अब कुछ ऐसा हमने इनिशिएटिव लिया कि हम कह रहे हैं कि कुछ ब्रांड 2,000 एसेंस आपको ऑफर किए जा रहे हैं जो कि आप उस पर मी टू कर सकते हैं किसी भी बेस्ड ऑन दैट। तो वो आपको इस पूरे प्रोग्राम को हमने पूरे पाकिस्तान में सब के लिए, स्पेशली इट्स फॉर नेबलर्स राइट नाउ, जो नेबलर्स के स्टूडेंट है ये उनके लिए, और इसको लीड करेंगे डॉक्टर कासिम मलिक। ये डॉक्टर कासिम मलिक आपको, आपके साथ जूम सेशन रन करेंगे। आई फील कि कुछ लोगों ने इसमें किया हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है उन लोगों को ऑब्वियसली हम लोग जो है जूम सेशन उनके साथ रन करके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे मजीद। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, बिकॉज वी वांट के उसमें सीरियस लोग आए, ये ना आए जी के जी आई वांट टू इन्वेस्ट और समथिंग, ऐसा नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके साथ इंटरव्यू होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें चलेंगे। ये जो एसिन पार्टनरशिप है, दिस इज राइट नाउ फॉर ओनली UK मार्केट। इसको UK मार्केट में हम लोग इंशाल्लाह सिर्फ फोकस करेंगे, रादर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको US और बाकी मार्केट्स में भी एक्सपेंड करेंगे। तो ये है कि ये इसके लिए आपको एक चलता चलाया ब्रांड मिल रहा है जिसकी कोई ऑथराइजेशन भी नहीं चाहिए, मतलब ऑथराइजेशन भी हम लोग ही हैं ना, मतलब डॉक्टर कासिम है उसके पीछे, सो वो आपको ऑथराइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके साथ, और पाकिस्तान में वो बैठे हैं, तो everyone knows him, he's been there for a while and he's successful seller and working as part of team enablers।
तो आप ने मतलब इसमें जैसे हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड और समथिंग, इसमें आप लोग ने खुद डिसाइड करना है कि मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि आपको सोर्सिंग भी नहीं करनी। कोई बंदा अगर इसमें कोई अगर एसियन सेलेक्ट करता है, हम कहते हैं इस एसियन का सोर्सिंग पार्ट, सोर्सिंग सप्लायर जो है वो ये है, ये चाइना से आप यहाँ से सोर्स कर सकते हैं, तो वो हम आपको वो भी बताएंगे। मीन्स आपको सोर्सिंग के लिए खुद नहीं ढूंढना, आपको सोर्सिंग के लिए बताना है, आपने खुद कैलकुलेट करना है प्रॉफिट उसका। तो ये कि मतलब आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से कि इसमें और क्या आप चाहते हैं, और क्या इससे ज्यादा तो यही हो सकता है कि आपके घर आए और आपको कहें कि जी ये पैसे पकड़ें और ये रख लें, यही हो सकता है, इससे ज्यादा और क्या करते हैं। मतलब आई डोंट नो क्या और इससे और कितना इजी इस चीज के लिए किया जाए कि आप लोग एक्शंस लें, इस चीज में इन्वॉल्व हों, और ऐसी चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मतलब हार्डली एनी वन हैज इवन थॉट अबाउट। बहुत सारे लोग आई नो हमें कॉपी करते हैं, जो चीज हम अनाउंस करते हैं उसको अनाउंस कर दिया जाता है, कॉपी कर लेते हैं हर चीज को, फिर आगे से हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम कॉपी करते हैं। ये कि ऐसी चीजें हम लोग अनाउंस करते जाएंगे, लोग कॉपी करते हैं, आई डोंट केयर, बिकॉज ये कि इसमें किसका फायदा है, एड्रियन आपका फायदा इसमें। आप इस तरह से देखें, अगर पांच टीचर हैं, पांच टीचर आपको एक हर चीज जो बता रहे हैं वो डिफरेंट वे से बता रहे हैं, और आपने उनकी डिफरेंट बातों को सुनकर जो भी आपको बेहतर लग रहा है उसको इम्प्लीमेंट करता जाना है, कि रादर यू जस्ट कंटिन्यू टू से जी के वो उसने ये कहा, उसने ये कहा, क्योंकि हर बंदी की अपनी स्टोरी है। आपने देखना है एक्शंस कौन ले रहा है, लोगों की लाइफ आसान कैसे हो रही है, नए नए इनिशिएटिव्स कैसे आ रहे हैं, और खुद से डिसाइड करना है चीजें। आई डोंट माइंड के एनेबलर्स को लोग कॉपी कर रहे हैं, मतलब आई वॉज इवन लुकिंग के जो हम मिशन है हमारा उसको कई लोग पूरा छापा मार के उसके फेसबुक पेजेस बना रहे हैं, मतलब दिस इज फाइन, इसमें एट द एंड गोल इज सेम, तो आप जरूर करें। लेकिन यह कि बींग एज ए लीडर वी नीड टू मेक श्योर हम पब्लिक में अवाम जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मौजूद हों, उनके पास मौजूद हों, वो उनको कोई इशू है उनके पास फिजिकली मौजूद हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर के हम लोग इस पूरे मिशन में इसको लेकर जाएं, बिकॉज ये साथ साथ विन विन सिचुएशन है आप सबके लिए, आपके लिए जो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, बिकॉज आप एक नई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हार्डली 2 लाख लोगों को पता है, सिर्फ 2-2.5 लाख लोगों को पता है कि ई कॉमर्स क्या है, तो आप देखेंगे कितना बड़ा स्कोप है, जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो आई होप ये आपको जो जो हमने 4-5-6 चीजें डिस्कस की हैं इसको इसको ओबियसली आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसमें हाउ डू वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चंस है वी कैन टेक सम क्वेश्चंस जो कि इसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा आई नो एवरी थिंग इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बट लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। इज देर एनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ एशियन पार्टनरशिप? यस इट देर इज, बिकॉज यू नीड टू बी एनेबलर स्टूडेंट। जो अनेबलर्स का स्टूडेंट होगा ये सिर्फ उसी के लिए, बिकॉज वी डोंट बिलीव के पता नहीं आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की है एंड ऑल दैट, बट इफ यू फील यू हैव रियली गुड अंडरस्टैंडिंग तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उसमें हम आपको ऑब्वियसली डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इसमें जैसे कुछ लोग जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या हुआ कि 1 ईयर स्पेशलाइजेशन का और बूट कैम्प का, राइट? सो जो 1 ईयर स्पेशलाइजेशन है, बूट कैम्प जो होता है जिसमें हम लोग सिर्फ प्राइवेट लेबल, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लेबल का बूट कैम्प है तो प्राइवेट लेबल कवर करेंगे, अगर वो होलसेल का बूट कैम्प है तो होलसेल कवर करेंगे, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्लियर किया जाता है। लेकिन जो 1 ईयर स्पेशलाइजेशन है उसमें हर चीज कवर होगी, लोकल मार्केट्स कवर होगी, मींस फॉर एग्जांपल दराज है, अपना स्टोर है वो बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, अमेजोन पे सेल करनी है, ई बे पे सेल करनी है, वॉलमार्ट पे सेल करनी है, होलसेल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, फ्री लांसिंग करनी है, VA बनना है, सब कुछ जो कि एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप सबको पता होगा, और वो ये वही कर सकेगा जो कि हर सेमेस्टर को पास कर सकेगा, वो ही आगे जाएगा, अदरवाइज हम उधर ही स्टॉप कर लेंगे आपको। तो ये है वो 1 ईयर मतलब HEC की नॉलेज प्रोग्राम जो के इंशाल्लाह आपको साथ लेकर हम इसके चलेंगे। और ये कि
एज ए आई सी सो मैनी, येस इट विल बी ऑनलाइन एज वेल और फेस टू फेस भी होगा ये. पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये फेस टू फेस होगा, लेकिन उसके लिए आई नीड रियली अ ह्यूज फोर्स. एज आई सेड मिनिमम आई नीड के एटलीस्ट 100 ट्रेनर्स, आई नीड दैट इन एनेबलर्स. अभी भी वी हैव क्वाइट अलॉट, 30-40 ट्रेनर्स हैं हमारे पास, मेंटर्स हैं, बट आई नीड एटलीस्ट 150 ट्रेनर्स, 150 मेंटर्स. तो आप इस हमारा पार्ट बन सकते हैं, आप भी लोगों को एनेबल कर सकते हैं. सो बी द पार्ट ऑफ अस बिकॉज वी आर गोइंग टू बी स्केलिंग दिस अप सो रैपिडली. तो इस क्या फी कोई नहीं ट्रेनर बनने की, आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग फीस. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, क्राइटेरिया जो है HEC प्रोग्राम का बनने के लिए स्पेशलाइजेशन, वी विल अनाउंस इट सून, फिर वी विल सी कि कैसे आप उसका उसमें आ सकते हैं, बट वी विल अनाउंस इट, सो प्लीज बी पेशेंट. क्राइटेरिया वी विल अनाउंस इट सून, दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस 1 year HEC e-commerce स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम. जो जो यहाँ पे लिख रहा है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू गेट द स्केल्स, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप EVS से स्टार्ट करें. एनेबलिंग वीडियो सीरीज enablers.org/EVS राइट नाउ. SLA चल रहा है हमारा, 2 week में हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हैं एक्सेस बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस. तो एटलीस्ट 2 week का वेट किया करें बिफोर यू चेज, उसके बाद नहीं आता देन प्लीज आस्क फॉर एन अपडेट. और जो एशियन पार्टनरशिप क्राइटेरिया है, वो आपको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होलसेल मॉडल की. वो हम इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू लेंगे, जिस जिसने फॉर्म फिल किया हुआ है उसको अभी जूम सेशंस की 1-2 दिनों में ईमेल आएगी, जिसमें आप लोग साथ साथ उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं. ठीक है, कितने टाइम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं, ये सिर्फ नजूमियों को पता है, मे बी उनको भी वो भी अंदाजे लगाते हैं, किसी को नहीं पता ये कि आप, मुझे क्या पता आपकी एफर्ट्स क्या होंगी, आप क्या करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे. आई डोंट नो कि आपको कितना टाइम लगेगा. मुझसे अगर मिलना है तो आप प्लीज़ पोस्ट करें ग्रुप में, वी विल टॉक अबाउट दिस, बट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप. प्रॉफिट जो अभी जो है एशियन पार्टनरशिप में, कैन बी फ्रॉम 20 to 50, 60, 65. वो आप एशियंस को जब आप व्यू करेंगे, जो आपको ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं उनके पास उस लिस्टिंग्स में, तो वो आपने देखना है कि ये जो मुझे इस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन है कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके ही ऑर्डर करेंगे ना. इस तरह से हमें नहीं 9 to 5 वाले लोग चाहिए हमें ज्वाइन करें, हमें जो लोग चाहिए वो फुल टाइम हमें ज्वाइन करना चाहिए पूरी डेडिकेशन के साथ, बिकॉज आई वांट के हमारे जो ट्रेनर्स और मेंटर्स हैं वो हर वक्त अवेलेबल हों अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो जो हम 1 year स्पेशलाइजेशन जो हम करेंगे उसमें ये नहीं है कि आप पार्ट टाइम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और रात को आके सेशंस ले रहे हैं, ऐसे लोग नहीं हैं. आप ऐसे लोग हों जो कि हमेशा हमारे साथ हर वक्त अवेलेबल हैं, सोए भी ना. I don't want people जो सोए भी रात को. तो आपने ये सब सोच समझ के हमें ज्वाइन करना है, being as a trainer or mentor. So this is a good question. So basically, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें आप, खालिद साहब is a Khurram 1-to-1 student. So can we say कि Asian sharing thing is like a hunted product but is a different way? That's what someone asked today, that enabler should provide hunted. No, this Asian partnership is a different thing. ये basically क्या है कि एक ऐसी product है एक ऐसे इंसान की जो already established हो चुकी है, और ये already established हो चुकी है, और वो कहता है कि आप मेरी इस established product पे मी टू कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, और मैं नहीं सेलर बनता, आप सेलर बन लें इसके, आप इन्वेस्टमेंट कर लें इस लिस्टिंग के ऊपर, आप इसके ऊपर आकर इन्वेंटरी खरीद लें, मैनेज कर लें, और मैं ही आपको सप्लायर भी देता हूं अपने ही लिस्टिंग का. ये कहां पे ऐसी चीज मिलती है कि मैं ही आपको सप्लायर देता हूं अपनी लिस्टिंग का, और प्लीज मेरी लिस्टिंग पे मी टू करके प्रॉफिट जनरेट कर लो.
ये चीज कह रहे हैं इन वेरी इजी वर्ड्स। तो ये चीज इज ऑब्वियसली इज इट्स समथिंग विच पीपल शुड लुक इन टू। इफ दे फील दिस इज राइट फॉर देम देन दे शुड एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है। BBA, MIS have nothing to do with enablers. We're not going to offer all of this. All we offer is e-commerce. That's it. ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा HEC। ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है। दिस इज एक्चुअली फॉर होल पाकिस्तान। वी आर गोइंग टू वी हैव ऑफर्ड दिस। सो दिस इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक सिटी। तो दिस वन ईयर स्पेशलाइजेशन इज फॉर होल पाकिस्तान। जो लोग बीइंग एज अ ट्रेनर ई कॉमर्स का हमारे से अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज अप्लाई ऑन HR@enablers.org पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंड योर रिज्यूमे टू अनेबलर्स के फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं एंड देन गेट इन टच विद एनी ऑफ अनेबलर्स मेंबर। आई विल आल्सो पोस्ट जिसमें आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर एशियन पार्टनरशिप जो है ये वेरी करती है। मतलब आप कहते हैं यार मैं $1,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप $1,000 से स्टार्ट कर लें। आपने इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करनी है ना, क्योंकि आपको एशियन दिया जा रहा है। आपने उसकी इमेजेस नहीं बनाने, आपने उसकी रिव्यूज नहीं लेने। वो ऑलरेडी रिव्यूज लिए हुए हैं, ऑलरेडी वो लाइव है एसन। आपने उसको मीटू करना। ठीक है। अब ये जो स्पेशलाइजेशन HEC वाला, इसको हम इसका जो क्राइटेरिया है वो हम कुछ दिनों तक पोस्ट करेंगे। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, इफ यू फील दिस इज राइट फॉर यू फिर अप्लाई कीजिएगा। फिर कुछ इंटरव्यूज होंगे और फिर हम आपको सिलेक्ट करेंगे उसके लिए। तो अभी प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा मीन्स एक दो वीक इंतजार कर लें बिफोर वी अनाउंस के क्राइटेरिया क्या है इस वन ईयर स्पेशलाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। फीस वगैरह सारा कुछ वी विल अनाउंस इट। अभी वी हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। ठीक है जी। आई थिंक दिस वाज प्रीटी नॉलेजेबल सेशन होपफुली फॉर यू, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्या है। बट दिस इज ट्रेंड सेटिंग इन पाकिस्तान, जिसमें सारे जो लोग हैं उनका माइंड जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये जो सेमिनार्स वगैरह एंड ऑल दैट, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी स्टिल ओपन है। लाहौर वाली वी आर ट्राइंग टू सिक्योर मोर स्पेस। राइट नाउ इट हैज़ गॉन क्रेजी। इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 600 से 650 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो हम इसकी स्पेस जो है मजीद लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मजीद लोग आए। अदरवाइज वी विल सी हाउ टू बी मैनेज, बट वी विल अनाउंस दिस टुमारो क्या हम किस तरह से इसको लेंगे। बट मैनेजिंग अ ह्यूज क्राउड इज ऑब्वियसली चैलेंजिंग इन दिस सिनेरियो। ये आप तलहा अरशद, आप जो है ना, ये जब आपसे सेशन होंगे, जब आप देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएगी। आपने खुद भी एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए क्या है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब्दुल्ला चौधरी का कि जी एक एसन को मल्टीपल लोगों को तो नहीं ऑफर कर दिया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो दो सेलर्स आ जाएंगे। तो ये भी एक ब्यूटी है कि ये एक सेलर को ही ऑफर किया जाएगा मीटू। मीन्स कि एक ही बंदा सिर्फ एक ही लिस्टिंग को मीटू कर रहा होगा। मतलब आपको ये नहीं है कि 15 सेलर उसमें डाल दिए जाए ताकि आप लोग टेंशन में ही रहें कि मेरी बारी कब आएगी बाय बटन की। आप एक एसन के पार्टनर बन रहे हैं, 50% पार्टनर बन रहे हैं। वो पार्टनरशिप जो है वो आपकी हो रही है। एसन जो जिससे बिलोंग करता है वो आपको शेयर दे रहा, तो आप उसके पार्टनर बन रहे, तो वो आप अकेले ही उसको मीटू करें। मुल्तान में इंशाल्लाह विल कंडक्ट सेमिनार सून, सियालकोट में भी विल कंडक्ट सून, फैसलाबाद में भी वी विल कंडक्ट सून एंड क्वेटा एज वेल। बट राइट नाउ हम लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर इज आर प्लान इन फेज वन। फेज टू में वी विल अनाउंस फॉर अदर सिटीज एज वेल। तो जो बाकी शहरों के हैं तो वो ट्राई करें कि इन्हीं शहरों में आए। फॉर नाउ
ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू टॉक एंड विल कंटिन्यू टू हैव मोर सेशन. सो प्लीज बी पॉजिटिव. यू कैन आई एम श्योर डू इट, बट ये कि प्रोफेशनलिज्म जो है उसको प्लीज बरकरार रखिएगा अपना, और वेज ऑफ टॉकिंग भी जो है वो भी प्लीज अपनी इम्प्रूव करते रहें टाइम के साथ साथ. आई सी दैट वी आर sometime losing control over few things when people start to say something negative against me, against nibblers, but please be patient. बोलते रहने देने, इनको reply नहीं करना, कुछ लगे रहने दे. इनका काम ही है कि जलना जो कि nibblers कर रहा है लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने students के लिए. तो आपने अपना मस्त रहना है, काम करते रहना है और कोई चीज़ को इंशाल्लाह डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना. सियालकोट आई विल कम सून इंशाल्लाह. ठीक है जी, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आप रिपीटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, ये रिकॉर्डेड होगी. तो अंटिल देन होपफुली इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन. सो सी यू सून इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.